आजादी के 70 साल के बाद भी दलित समाज को बराबर का नहीं समझा जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका जीता जागता उदाहरण है झालावाड़ का निमोदा गांव। झालावाड़ के निमोदा गांव में एक ऐसी घटना से हम आपको रूबरू कराते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आजादी के 70 साल के बाद भी दलित समाज को बराबर का क्यों नहीं समझा जाता। झालावाड़ से 10 किलोमीटर दूर निमोदा गांव में जहां पर परमेश्वर मेघवाल की शादी होनी थी, परमेश्वर मेघवाल शादी से पहले डीजे बुक कर लिया। जब दबंगों का इस बात का पता लगा तो उन्होंने उनके परिवार को धमकी दे डाली। धमकी के बाद परिवार सहम सा गया और डर गया और उस परिवार में डर का माहौल बन गया। परमेश्वर मेघवाल के माता पिता और परमेश्वर मेघवाल पुलिस अधिकारी को जानकारी दी। उसके बाद पुलिस अधिकारियों को बताया कि हमने जब डीजे बुक किया तो दबंगों को पता लग गया और उसके बाद दबंगों ने कहा कि अगर बारात निकली और उसमें डीजे चला तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद परमेश्वर मेघवाल की शादी कल हो गई और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वह बारात निकाली गई और साथ ही डीजे भी चलाया गया। लेकिन आखिर दलित समाज को आजादी कब मिली? आजादी के 70 साल के बाद भी आज वो समाज आजाद नहीं हुआ। क्या यूं ही पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही बारात निकाली जाएगी? आखिर आजादी कब मिलेगी? लेकिन परमेश्वर मेघवाल की जो बारात निकली थी वह पुलिस अधिकारी तहसीलदार समेत कई आला अधिकारियों की मौजूदगी में वो बारात निकली। साथ ही घर के बाहर पुलिस कर्मी भी तैनात कर दिए गए ताकि शादी में माहौल खराब ना हो और दबंगों के द्वारा दी गई जो धमकी थी उनके परिवार पर कोई फर्क ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। साथ ही पुलिस प्रशासन ने परमेश्वर मेघवाल की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई और साथ ही जब तक शादी नहीं हुई तब तक वो वहीं खड़े रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज़।